नवाज शरीफ ने मकामी रोजनामे में शाया खबर की तर्दीद करती है। नवाज शरीफ ने कहा है कि उन्होंने कोई बात नहीं की, ये बयान मेरे नाम से मंसूब किया गया है। नवाज शरीफ से मंसूब बयान ने पीपल्स पार्टी को तहरीक इंसाफ का बगल बच्चा करार दिया गया था। तो आपको बताएं कि मियां नवाज शरीफ ने तर्दीद कर दी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कोई भी बात उनकी जानिब से नहीं की गई, ये बयान मेरे नाम से मंसूब किया गया है। सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे मजीद जानेंगे। सगीर बताएगा क्या कहना था साबिक वजीर आजम का इस मौके पर। जी, साबिक वज़ीर आज़म ने एक जो मकामी अखबार है उसने एक उनके नाम से मंसूब करके खबर लगाई थी, और आज उन्होंने जब अदालत में आया तो मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि उनकी इस खबर की तर्दीद करें क्योंकि वो इस खबर को ओन नहीं करते और उनका नाम मंसूब करके ये खबर लगाई गई है। बाकायदा उन्होंने उस रिपोर्टर का नाम भी पूछा तो उन्हें बताया गया कि ये एक न्यूज एजेंसी से खबर जो है वो इस अखबार में पिक हुई है, जिस पर उन्होंने कहा कि इसकी फौरी तौर पर तर्दीद करें और वो इस खबर को जो उन्होंने कहा था कि पीपल्स पार्टी का बगल बचा है वो इसको तब्दील करते हैं और फौरी तौर पर इसकी तर्दीद शाया की जाए। जिस पर चौधरी तनवीर जो है उन्होंने भी मीडिया से ये रिक्वेस्ट की कि जो मुतलका रिपोर्टर हैं वो फौरी तौर पर मियां नवाज शरीफ की इस बयान की जो है वो उसको शाया करें और इस खबर की तर्दीद करें। जी ठीक, बहुत शुक्रिया सगीर, इस हवाले से हमें आगाह कर रहे थे।